बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व में बालकवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सेदारी निभाई। इस वर्ष के दशहरे का मुख्य आकर्षण था करीब 50 फुट ऊंचा रावण और चीनी मेहमानों द्वारा भारतीय परंपरा का दिलचस्पी से अवलोकन। दोपहर बाद से ही बालको नगर और आसपास के गांव से भारी संख्या में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के सैलाब का रुख स्थानीय रामलीला मैदान की ओर बढ़ने लगा। ग्रामीणों और नगरवासियों के साथ ही बालको के विस्तार परियोजना पर कार्य कर रहे चीनी इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने भी दशहरा पर्व का आनंद लिया। रावण दहन का दृश्य चीनी इंजीनियरों और विशेषज्ञों के लिए अत्यंत कौतुक भरा था। कोरबा क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचे लगभग 50 फुट के दशानन का पुतला देखना उनके लिए सर्वथा नया अनुभव था। शानदार आतिशबाजी, राम रावण युद्ध का मंचन और बाद में विशालकाय पुतले का दहन जैसे दृश्य विदेशी मेहमानों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोरबा जिला के पुलिस अधीक्षक श्री पवन देव और विशेष अतिथि प्रचालन अध्यक्ष श्री सीपी वैद्य थे। आयोजन को सफल बनाने में बालको इंटक के अध्यक्ष श्री ब्रह्मा सिंह, महासचिव श्री वीके शर्मा, इंटर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा।